अभी हम मसाला ऐड करेंगे। कौन सा मसाला आप देखिए, यह है नमक, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये जो दही है फटा हुआ ये ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से देखिए तो दही को मिला लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे रेसिपी स्पेशल है दही तड़का। आपने दाल तड़का, दाल मेथी बहुत ही नाम सुना होगा, लेकिन आज हम आपको आसान तरीके से बना के दिखाएंगे दही तड़का। तो देखिए, दही तड़का बनाने के लिए हमने जो दही लिया है ये ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, मीठा बिल्कुल नहीं है। तो ये इसकी जो क्वांटिटी है दही का, ये है आधा लीटर। तो इसको हमने फेंट लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि दही तड़का बनाने से पहले आपको दही को फेंटना, अच्छी तरह से फेंट लेना इसको। इसी तरह से आप दही को अच्छी तरह से फेंटते जाइए, इससे दही तड़का बहुत ही बढ़िया बनेगा। कढ़ाई में हमने 2 से 3 स्पून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ऐड किया। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। ऑयल गर्म होने का बाद ये देखिए सूखा चिली यहाँ पर ऐड करिए, जीरा 1 स्पून, जीरा 1 स्पून, ग्रीन चिली, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करिए हींग, 1 चुटकी हींग। ये बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इसमें ऐड करिए। थोड़ा करी पत्ता, और यहाँ पे ऐड करिए गार्लिक चॉप, 2 स्पून गार्लिक चॉप, और इसे अच्छी तरह से भूनिए थोड़ा टाइम। तो देखिए इसी तरह से आप थोड़ा टाइम भूनते जाइए, और थोड़ा भूनने का बाद इसमें अभी ऐड करिए चॉप ऑनियन। ये यहाँ पर मैं 2 पीस ऑनियन ऐड किया चॉप, और इस ऑनियन को थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए। ये देखिए इसी तरह से आप पकाते रहिए, ऑनियन को भूनते रहिए, और ये जब थोड़ा सा कलर आ जाए ये देखिए तब हमने इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा चलने के बाद जो इस तरह से जब कलर आ जाएगा, यहाँ पे हमने 1 टमाटो चॉप करके ऐड कर दिया। अगर आपको पास टमाटर नहीं है तो आप ओनली ऑनियन से भी बना सकता है। देखिए थोड़ा चलाते रहिए इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से जब आप कलर आ जाए, अभी हम मसाला ऐड करेंगे। कौन सा मसाला आप देखिए, ये है नमक, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और यहाँ पर ऐड करेंगे मैंने कश्मीरी चिली पाउडर, क्योंकि रेड चिली पाउडर मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कश्मीरी चिली पाउडर जो है वो बहुत ही बढ़िया तरह से कलर लाएगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कश्मीरी चिली पाउडर। और देखिए इससे बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर फ्लेवर के लिए देखिए मेथी लिया है, देखिए कितना सा थोड़ा सा मेथी लिया है, और इसको थोड़ा सा हाथ में मिसल के यहाँ पर देंगे, ऐड करेंगे, इसे क्या जो मेथी का फ्लेवर है ना वो आएगा उसमें। और अभी हम एक चीज़ ध्यान रखिए, दही ढालने का बाद ज़्यादा टाइम इसको चलाना नहीं, क्योंकि आपका दही फिर फट सकता है। तो अभी इस टाइम में हमने क्या करेंगे, ये जो दही है फटा हुआ ये ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से देखिए तो दही को मिला लेंगे। ये देखिए इसी तरह से आप आराम से मिलाते चाहिए। अभी इसी टाइम में जो गैस की भलन है वो एकदम स्लो फायर में रखना। ये देखिए ऐसे धीरे धीरे मिलाते जाइए। इसके ऊपर ऐड करिए थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए ये कितनी बढ़िया सा बन गया हमारा दही तड़का। अभी इसे हम क्या करेंगे, एक पोर्शन बाउल में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए अभी हम गर्मा गर्म ये देखिए सर्व करेंगे पोर्शन बाउल में। कितनी ज़बरदस्त बना है,
आपको घर में कुछ नहीं मिला तो आपको दही है ना, तो दही से भी आप इस तरह से तड़का बना के दाल रोटी राइस के साथ आप इसे इसकी मजा ले सकता है। ये देखिए हमारा बन गया है दही तड़का। मेरा रेसिपी आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।